ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को मेरा कलर पेंसिल्स दिखा देता हूँ कि आज इस हॉर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं कौन कौन सा कलर का यूज़ करूँगा। मेरे पास है ये कुछ प्रिज्मा कलर प्रीमियर पेंसिल्स और ये है प्रिज्मा कलर प्रीमियर कलरलेस पेंसिल, इसे हम प्रिज्मा कलर ब्लेंडर भी कहते हैं। इससे प्रिज्मा कलर वेरी इजीली ब्लेंड हो जाता है। और ये है जनरल वाइट चारकोल पेंसिल। अगर आपके पास ये नहीं है, आप एज एन ऑल्टरनेट वाइट कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड को शेड करने के लिए। और शीट में मेरे पास है ये स्ट्रैथमोर टोन्ड ग्रे शीट।
फाइनली आप देख सकते हो ये जो हॉर्स है इसका स्किन कंप्लीट हो चुका है, जितना भी हेयर वगैरह है इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं ये जो बेल्ट आप लोग देख रहे हो इस बेल्ट को शेड करूँगा और उसके लिए मैं वाइट और ब्लैक कलर का पेंसिल यूज़ करूँगा और साथ में हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करूँगा सकुरा जेली रोल का। फाइनली ये हॉर्स जो है ये कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बिगिनिंग में बताया था कि बैकग्राउंड के लिए मैं ये जनरल वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, तो आप लोग देखोगे अभी किस तरह से जो है मैं बैकग्राउंड को शेड करता हूँ ये जनरल वाइट चारकोल पेंसिल से। मैं आप लोगों को और एक बात दोबारा बता दूँ, अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है आप एज एन ऑल्टरनेट कोई भी वाइट कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो।